तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं देना चाहूँगा शाउट आउट, और आज का शाउट आउट विनर है ये। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर शाउट आउट। और अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको एक शाउट आउट दे दूँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो सीधा वीडियो के तरफ बढ़ते हैं, और ये वीडियो को एंड तक के देखना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की होगी तो कर देना। सो लेट्स रोल द इंट्रो। I'm the realest one that's repping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god. जैसे स्क्रीन पे तीन ऐप देख पा रहे होंगे, एक का नाम है ऐप क्लोनर, एक का नाम है पे एटीएम स्पूफ, और एक पेटीएम। और जो इसमें जिस ऐप का काम है वो है ये ऐप जिसको मैं अभी राउंड राउंड कर रहा हूँ, पेटीएम स्पूफ। ब्लैक हैट लोगो है इसका, और आपको तो पता ही होगा ब्लैक हैट कितना फेमस है, क्योंकि एक हैकिंग का ग्रुप रहता है, ब्लैक हैट बोलते हैं उनको जो रहते हैं, एक हैकर, आपको पता होगा क्योंकि आप मेरे चैनल पे जो। तो अब आप सोच रहे हो कि ये दो जो ऊपर में ऐप है, ऐप क्लोनर और पेटीएम, उसका क्या यूज़ है। तो ये पेटीएम का भी कुछ यूज़ नहीं है, इसका मैं आपको लास्ट में यूज़ बताऊंगा। तो ये जो ऐप क्लोनर है वो बहुत काम की ऐप है। तो मैं सबसे पहले ऐप क्लोनर के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ऐप क्लोनर की जो वीडियो रहेगी, मतलब ऐप क्लोनर के बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही, जिससे कि आप ऐप क्लोनर से मोडिंग कैसे करते हैं, और मोडिंग कैसे करते हैं, ऐप को मॉडिफाई कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, कैसे क्लोन करते हैं ऐप क्लोनर की हेल्प से, तो मैं ये सब आपको बताने वाला हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि अभी तो उतना काम नहीं था। तो अब मैं सबसे पहले तो एक चीज़ कर लूँगा, जैसे ही मैं पेटीएम स्पूफ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले ऐप क्लोनर खोलेंगे, और ऐप क्लोनर की भी लिंक मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसके भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो अब ऐप क्लोनर खोलते ही कुछ ऐसा आपके पास जितने भी एप्लीकेशन है उनकी लिस्ट आ जाएगी, और उसमें से आपको पेटीएम स्पूफ क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही नेम्स में जाके पेटीएम स्पूफ लिखा रहेगा, तो उसको आपको कर देना है पेटीएम, ठीक है। तो पेटीएम नेम को आप पेटीएम सेट कर देना, और रिप्लेस आइकन में जाके देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है कि आपको एक शॉर्ट में बस ऐसे थोड़ा स्क्रोल करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मोडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे प्राइवेसी ऑप्शन, डिस्प्ले ऑप्शन, नेविगेशन ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन, बहुत टाइप के हैं, तो मैं आपको पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो अब ये रिप्लेस आइकन में जाके आपको क्लिक करना है, और यूज़ अनदर ऐप लॉन्चर आइकन में जाके, मतलब उस पर क्लिक करके आपको पेटीएम, ओरिजिनल पेटीएम जो आपका डाउनलोड होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो वो पूरी इमेज जो रहती है पेटीएम की, लोगो जो रहता है, वो कॉपी कर लेगा। तो ये जैसे मैंने कर लिया कॉपी, मतलब क्लिक कर दिया, तो बस ये टिक वाले ब्लू टिक जो था वहाँ पे, उस पर क्लिक कर देना है। तो ये बस, और फिर ऐसा कुछ आएगा इंटरफेरेंस, उस पर फिर आपको इंस्टॉल ऐप पर क्लिक कर देना, पर मेरा इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा मैं, तो आप कर सकते हो। और ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, प्ले स्टोर ने इसको बैन करके रखा है। और बहुत सारी ऐसी साइट्स है जिसमें ऐप आपको ऐसे फेक मिलेगा, फेक, पर मैं आपको ओरिजिनल लिंक नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो मतलब ये जो फेक जो रहते हैं ना, उस पर कभी भरोसा मत करना। वो ऐसा आप इंस्टॉल कर लोगे, मोडिंग पे जब आप जाओगे ना, तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। तो आप जैसे अभी जाके, अगर आप जाके कहीं पे गूगल पे सर्च कर लोगे ऐप क्लोनर ऐप डाउनलोड लिंक, तो आप कोई दूसरी ऐप डाउनलोड कर लोगे जिसका ऐसे लोगो सेम रहेगा, पर वो आपकी सारे फ़ोन की जो डेटा रहता है वो सब चोरी कर लेगा। इसलिए प्लीज़ मैं आपको जो लिंक दूंगा उसी से डाउनलोड करना, वो भी ऐप क्लोनर और पेटीएम स्पूफ दोनों, ठीक है। तो अब जैसे पेटीएम स्पूफ जो था, एक ये वाला है मेरा पेटीएम स्पूफ, ये वाला, और एक ये वाला, मतलब मैं जो अभी आपको बोला था इंस्टॉल ऐप, तो ये मैं मोडिंग करके मैंने इसको पेटीएम को ओरिजिनल के जैसा आइकन सब लगा के इसको ओरिजिनल के जैसा बना दिया पेटीएम स्पूफ को। तो अब मैं आपको पेटीएम में बता देता हूँ जो मैंने इसको मोड कर दिया हो। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप या तो पेटीएम, मतलब जो सीधा डाउनलोड मैं आपको लिंक दूंगा, उससे भी आप सेम स्टेप्स कर सकते हो, या मोडिंग के बाद भी आप कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट में ऐसा कुछ, जैसे आप अच्छी से अंडरस्टैंड कर पाओ, वैसे एक मेथड में बता देता हूँ कि जैसे कि मैं कोई फ्रॉड बंदा हूँ, और मैं कोई ऐसे मार्केट या कहीं पर भी कोई रैंडम पर्सन से मिला, और मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं था, और मेरे को कुछ लेना है पर वो कैश में, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक रैंडम पर्सन के पास जाऊँगा और उसको बोलूँगा कि आपके पास इतना कैश अवेलेबल है क्या, मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ, मेरे पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है। तो अब वो बंदा अगर अच्छा बंदा होगा तो बोलेगा हाँ ठीक है ज़रूर, आप, मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप मेरे को पेटीएम कर दो। तो अब मैं उसको हैक, मतलब फ्रॉड में, तो अब उसको मैं फ्रॉड कैसे बनाऊँगा। तो अब सबसे पहले तो मैं उसका कुछ जो उसका नाम रहेगा मैं वो लिख दूंगा, जैसे ही उसका नाम है, उसका फ़ोन नंबर मैं लिख दूंगा,
और अमाउंट जैसे मेरे को 100 रुपये उसको देने वाला, वो मेरे को 100 रुपये की नोट दे रहा है, तो मैं उसको 100 रुपये ऐसे फेक लिख दूंगा। और एडवांस सेटिंग में जाके योर वॉलेट, मतलब मेरे वॉलेट में कितने, तो मैं ऐसे सिंपली कोई भी फेक नंबर लिख देता हूँ 300, और वॉलेट आईडी कुछ भी ऐसे लिख दूँ 11 डिजिट की होनी चाहिए बस। तो ये होने के बाद मैं बस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो ऐसा फेक पेटीएम का पेज ओपन हो जाता है। तो उससे अलग जब ये टिक आता है ना, तब मतलब कन्फर्म हो जाता है कि वो अलग सेंड हो चुके हैं। तो अगर वो कोई अच्छा बंदा, मतलब वो अगर हरी में रहेगा तो जल्दी में अगर वो रहेगा तो वो देखेगा ही नहीं कि OTP मेरे को आया है क्या, कि सक्सेसफुली सेंड हो गया है। तो यहाँ पे मैं उसको ऐसा करके दिखा दूंगा, मतलब उसको शो कर दूंगा कि देखो टिक आ रहा है, सेंड सक्सेसफुली टू डैश डैश डैश, और टिक आ रहा है। तो ठीक है, अब ये हो जाएगा, तो अब मैं सीधा पैसे लेके तो उसके सामने से निकल जाऊंगा, और फिर तो कभी उससे मिलने वाले हैं नहीं। तो अब ये सिंपल हैक था, हैक भी नहीं कह सकते एक्चुअली, हैक कह सकते क्योंकि अब हाँ जो अब जो नेक्स्ट अपडेट्स आ रहे हैं पेटीएम के, तो मतलब जो गूगल है उनने बैन कर दिए पेटीएम स्पूफ को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था उसके वजह से। तो ये जो है मेरा ओल्ड वर्जन है पेटीएम स्पूफ का, अगर आप अभी लेटेस्ट जो पेटीएम का चल रहा है वर्जन उसका अगर डाउनलोड करने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा ये, जैसे आई डोंट नो द वर्जन, बट ये पुराना वाला वर्जन है, अभी अपडेटेड वाला नहीं है क्योंकि अपडेटेड वाला बैन हो चुका है, गूगल से बैन हो चुका है। अगर आप कहीं पर भी साइट में भी जाके सर्च कर लोगे तभी भी नहीं मिलेगा। हाँ अगर हाँ नहीं मिलेगा, पर अगर आप काली लिनक्स या डगो या कोई और ऐसे जो रहते हैं ना सॉफ्टवेयर, अगर आप उसमें जाके सर्च करोगे तो हो सकता है मिल जाए, या शायद नहीं भी। और सेम ऐप क्लोनर के लिए, वाला ऐप क्लोनर गूगल से बैन नहीं हुआ है पर गूगल प्ले स्टोर से बैन हो चुका है, तो उसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो मैं आपको मिलूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि मैं बहुत सून बनाने वाला हूँ ऐप क्लोनर के ऊपर। तो पीस।